Assalamu alaikum students, now we are going to prove this identity. Basically, these are two matrices of 4x4. So we consider left hand side, which is equal to this. And by using the properties of determinant, we have to prove that this determinant is equal to this determinant. आप इन दोनों को एक्सपेंड करके भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आ जाती है प्रूफ दिस इक्वल टू दिस विदाउट एक्सपेंशन, तो आपने यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूज़ करनी है. सो वी कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू दिस, वी हैव टू प्रूफ दिस इज़ इक्वल टू दिस. एज यू कैन सी, मल्टीप्लाई द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रोज बाय अल्फ़ा बीटा गैमा एंड डेल्टा. व्हेन यू मल्टीप्लाई फर्स्ट row with alpha, then you get this. On the same, when you multiply beta with the second row, you get this, gamma with the third row and delta with the fourth row. मैंने earlier explain किया था कि जब आप किसी भी entry को किसी भी row से multiply करते हो तो आपको बाहर उससे divide भी करना है. So alpha, beta और gamma और delta से हमने इसको divide कर दिया ताकि equality जो है वो balance रहे. उसके बाद आप देखें यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ से ये सारी एंट्रीज कॉमन आ रही हैं, वो तो हमने इसको कॉमन ले लिया है. व्हेन यू गेट कॉमन, यू गेट 1111 हियर. ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट बन रहा है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दैट डिटर्मिनेंट. सो बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी वी हैव प्रूव दिस आइडेंटिटी.